वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन पुलिस का जो कार्यप्रणाली है, कार्यक्षेत्र है, वो काफ़ी व्यापक होता जा रहा है और इसमें पुलिस से काफ़ी ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति जो पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाता है वो पुलिस से तुरंत उसमें कार्रवाई की आस रखता है, लेकिन कभी कभी इन मुकदमों में जिनमें कई बार 180 दिन तक की अवधि होती है जिसमें अन्वेषण पूर्ण करना होता है, उसमें शिकायतकर्ता और जो पीड़ित होते हैं उनका पुलिस से संपर्क टूट जाता है। एक बार FIR करवाने के बाद शिकायतकर्ता को अंत तक पता नहीं चलता कि उसके द्वारा जो FIR करवाई गई है उसमें फाइनल रिपोर्ट क्या बनी है, क्या उसमें एक चार्जशीट दाखिल की गई है, या उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है, या उसमें अनट्रेस रिपोर्ट बनाई गई है, या कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाई गई है। इस समस्या का निदान करने के लिए सोलन पुलिस ने थाना स्तर पर इस संवाद तंत्र को एक्टिवेट किया, जिसमें थाना स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम संवाद व्हाट्सएप ग्रुप रखा गया, और इसमें जितने भी शिकायतकर्ता पिछले 1 सितंबर 2023 से अभी तक जिन्होंने अपने मुकदमे जो है विभिन्न थानों में दर्ज करवाए हैं, उन सभी शिकायतकर्ताओं को सूचित करके और उनकी इच्छा से उनको इस ग्रुप में जोड़ दिया गया है। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें उनके द्वारा पंजीकृत करवाए गए जो मुकदमे हैं उनमें समय समय पर जो भी प्रगति हो रही है उसकी जानकारी उनको घर बैठे सुगमतापूर्वक दी जा सके, और इसके लिए उनको पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट या SP ऑफिस इन सब के चक्कर नहीं लगाने पड़े। तो इस ग्रुप के माध्यम से इस तरह की जो शिकायतें हैं उनमें भी भारी कमी देखी गई है, और पिछले 4 महीने में जो 150 जो विक्टिम्स और कंप्लेंट्स जो ऐड किए गए हैं इनका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहा है इस संवाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसमें इस संवाद व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं इनमें कोई भी संवेदनशील जानकारी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जानकारी या संवेदनशील डॉक्यूमेंट वगैरह हम शेयर नहीं करते हैं। यह एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और विक्टिम्स और कंप्लेनर्स जो होते हैं उनके बीच में एक लगातार संवाद स्थापित करना है, जिससे पुलिस की प्रोफेशनल वर्किंग को इम्प्रूव किया जा सके और लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएँ और सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा सके।